बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको अपने चैनल यूट्यूब टच पे खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं WD एलिमेंट की एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के केस का, जो कि हमने एक शॉप से परचेज किए हैं, जो हमें तकरीबन 600 रुपये के मिले हैं। मैंने ऑनलाइन इनकी कीमत चेक की थी दराज एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी हमारे लेवल से भी ऊपर। ये 600 रुपये के मुझे मिले हैं, तो मैंने इनकी ऑनलाइन कीमत देखी, वो तकरीबन 3000 से अबाउट थी, वो भी डिस्काउंट रेट जो इनका चल रहा था। तो बेहतर यही होगा, अगर आपने ख़रीदनी है तो आप किसी शॉप से ख़रीद लें, ना कि दराज एप्लीकेशन से। तो चलिए हम इसका सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू करते हैं कि, और उसके बाद चेक करते हैं कि काम कैसे करती है। तो आप देख सकते हैं ये WD एलिमेंट की तरफ से बनाई गई है, जो कि आप इसके देख सकते हैं यहाँ पे नेम लिखा गया है, उसके बाद इनका मोनोग्राम दिया गया है। अगर इसके नीचे जाएं तो ये इसका हार्ड ड्राइव केस की फुटेज बनी हुई है, उसके नीचे लिखा गया है बेसिक स्टोरेज और स्टॉकेज सिंप्लीमेंट लिखा गया है। और उसके बाद अगर एक साइड पे आएं तो यहाँ पे भी इनका दोबारा से मोनोग्राम हमें मिलता है, WD एलिमेंट फ्री बैकअप सॉफ्टवेयर ट्रायल है और ड्यू लॉजिकल है। इनके नीचे QR कोड दिया गया है, अगर आप इसको यहाँ से वीडियो से ही स्कैन करना चाहें तो अच्छी क्वालिटी में है, नज़र आ रहा है। आप इसको स्कैन करके इनका डाटा वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हम बैक साइड पे आएँ तो ये इसी के हवाले से इसकी सिंपल स्टोरेज स्टॉकेज स्टोरेज के हवाले से लिखा गया है। उसमें जो कैपेसिटीज़ हैं वो लिखा गया है USB 3.0 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एंड कोल्ड बैकअप है, पासवर्ड प्रोटेक्टिव एंड सिक्योरिटी है, मेटल डिज़ाइन है, सॉफ्ट टच है। तो इसमें ये क्वालिटीज़ लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम एक और साइड पे आएँ तो ये लिखा गया है WD एलिमेंट, उसके नीचे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये कौन कौन सी विंडो पे चल सकती है, 7 और 8 से अबव पे चल सकती है, क्या फ्रेमिंग है, फॉर्मेटिंग है इसकी, NTFS फॉर विंडो 8 और हायर लिखा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और हम इसको इस्तेमाल करने की वीडियो इसके एंड पे देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। जी तो हमारे पास ये मौजूद है, हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। यह अनबॉक्स हो चुकी है, इसमें से हमें मिलता है एक एक्सटर्नल केस और उसके साथ साथ एक USB केबल दी गई है, जो कि इसके साथ कनेक्ट होगी। ये प्लग आप देख सकते हैं किस तरह का है, और दूसरा ये हमारे कंप्यूटर के साथ लगेगा। तो हम इसको भी साइड पे रख देते हैं फिलहाल। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये तो ये WD एलिमेंट की तरफ से एक्सटर्नल हार्ड केस है, आप देख सकते हैं ये कितना थिन है। इसमें आसानी से मेरे पास 500 GB की ड्राइव है तकरीबन, मैंने लैपटॉप से निकाली है, जो कि मेरा पहला लैपटॉप ख़राब हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्लग दिया गया है, यहाँ पे जो ये प्लग है ये इनपुट होगा। उसके साथ साथ ये एक छोटी सी है, इसके पीछे भी इनका मॉडल नेम वगैरह लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मलेशिया की बनी हुई है, जो कि बिल्ट इन है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसमें अपने हार्ड ड्राइव जो है उसको सेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव को ओपन कर लेते हैं, इसमें से हमें क्या क्या मिलता है और इसके साथ हमने जो है हमारी हार्ड ड्राइव इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए इस केस को ओपन करते हैं। तो यहाँ से ये मेरे ख्याल में ओपन होगा, यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक्सटर्नल हार्ड केस के अंदर इसका ये जो टॉप कवर है, और इसमें आपकी हार्ड ड्राइव सेट आ जाएगी। तो मेन चीज़ ये है जिसके मैंने पैसे दिए हैं, ये मेन कंट्रोलर है, इसके अंदर सारा सिस्टम प्लग इन किया गया है। आप देख सकते हैं ये पीछे प्लग है, जो कि हमारी हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट होगा। इसमें एक LED लाइट दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका ये सारा काम है। तो चलिए हम अपनी हार्ड ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। जी तो हमारे पास ये हमारी हार्ड ड्राइव मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं ये 500 GB लिखा गया है, 500 GB। तो चलिए हम इसको इसके साथ प्लग इन करते हैं। तो ये प्लग है इसका, यहाँ से ये कनेक्टेड होगी, आप देख सकते हैं। तो हम चलिए इसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो हम इसको यहाँ पे प्लग इन करते हैं। ये तो ये इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है।
ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं एक्सटर्नल केस में, उसके बाद अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं कि ये कैसा डाटा शो करती है और उसकी स्पीड क्या है। मेन चीज़ जो होती है वो स्पीड होती है, स्पीड कैसी है इसकी। तो चलिए हम इसको इसके अंदर पैक कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर फिट हो चुकी है। उसके बाद हम इस कवर को ऊपर लगा देते हैं। जरा एहतियात से ऐसा काम कीजिएगा क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो भी काफ़ी महंगी है और ये एक्सटर्नल केस भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो चुकी है। तो हम इसको अब अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। जी तो हम अपना लैपटॉप ओपन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप ओपन हो चुका है, हमारे पास ये मौजूद है हार्ड ड्राइव केस के साथ। इसके अंदर हमने जो फिट कर दी थी हार्ड ड्राइव, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लैपटॉप के साथ प्लग करके कनेक्ट करके चेक करते हैं ये कैसा डाटा शो करती है। जी तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये वायर के साथ इसको बांधा गया है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ओपन हो गई है। तो हम सबसे पहले इसको प्लग करते हैं हार्ड ड्राइव में जो प्लग दिया गया है इसके साथ इसको। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा एक इसके साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जी तो ये इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, ये हमारे पास शो हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसको स्कैन और फिक्स का ऑप्शन आ गया है, मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके साथ जो लाइट है छोटी सी ये ऑन हो चुकी है और ये काम कर रही है। मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मुझे महसूस हो रही है। तो हम इसके चेक कर लेते हैं डाटा सारा। आप देख सकते हैं मैं इसको मज़ीद नज़दीक कर देता हूँ। ये आप देखें ये इसके साथ ये जितनी भी इसके ड्राइव हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो हम माय कंप्यूटर में चलते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये माय कंप्यूटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप 6 ड्राइव्स देख सकते हैं जो कि ये पहली 3 जो है ये सी डी और ई ये इसकी अपनी है और ये हार्ड ड्राइव की है एफ एच एंड जी। इनमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी मेरे लिए अहमियत रखता है, किसी का तो पता नहीं क्योंकि कोई थोड़े ही मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा। तो ये आप देख सकते हैं इनमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है। तो इनकी स्पीड जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने फिल्में वगैरह और अपना डाटा जो भी यूट्यूब के हवाले से और बाकी चैनल के हवाले से मैंने इसमें रखा हुआ है। तो मैं इसको अनप्लग करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि ये बाकी मेरे पास कितनी ड्राइव्स रह जाती हैं। ये देखें ये बाकी 3 ड्राइव्स रह गई हैं और अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं ये कनेक्ट करने लगा हूं मैं, ये आप देख सकते हैं प्लग हो गई है और आपके पास ये शो हो गई हैं। ये 1, 2 और 3 ड्राइव्स हमारे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं 3। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। I'm gonna be a little bit.